जंजीर हिट होने से पहले सुपरस्टार महानायक अमिताभ बच्चन को कई फिल्मों से निकाला गया था। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन नए नए बॉलीवुड में आए थे। हालांकि उस समय बॉलीवुड को बॉलीवुड नहीं कहा जाता था, फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था। अमिताभ बच्चन आए और फ्लॉप पे फ्लॉप पिक्चरें देने लगे। कई फिल्मों के बाद उन्होंने ये भी साबित कर दिया आनंद वगैरह के बाद कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, फिर भी हिट नहीं थे, स्टार नहीं बने थे। लोगों को लगता था कि ये हिट फिल्म नहीं दे सकता, एक अच्छा एक्टर तो है लेकिन हिट फिल्म में नहीं दे सकता, इसलिए लोग अपनी फिल्मों से निकाल देते। बहुत कम लोग थे जो उन पर विश्वास कर रहे थे। ऐसे ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब उस समय यादव की बारात बना रहे थे। यादव की बारात जो फिल्म है उसमें तीन हीरो की कहानी थी, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक मझला भाई। बड़ा भाई धर्मेंद्र और सबसे छोटा भाई जो है वो उनका भांजा तारिक, और मझले भाई के लिए उन्हें एक आर्टिस्ट चाहिए था। हालांकि रोमांटिक हीरो वो मझला भाई था, गाने वगैरह सारा कुछ और कहानी में जो ट्विस्ट थी लव एंगल के हिसाब से वो सब मझला भाई करता है। ऐसे में नासिर हुसैन साहब ने सोचा कि इस किरदार के लिए वो अमिताभ बच्चन को ले लेते हैं। उनके हिसाब से ये कास्टिंग बहुत जबरदस्त होने वाली थी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और तारिक। फिल्म में जीनत अमान थी, नीतू सिंह उस समय नई नई थी, जीनत अमान भी नई नई आई थी, अजीत साहब विलन थे, तो सेटअप काफी अच्छा बन गया था। लेकिन जैसे ही ये बात डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर को पता चली, नासिर हुसैन के जो फाइनेंसर थे और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्हें पता चली, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया, ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी फिल्म में लड़कियां भी नहीं है, ऊपर से आप अपने भाई तारिक को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फ्लॉप एक्टर अमिताभ बच्चन को ले रहे हैं। तो नासिर साहब ने समझाया कि हमारे पास धर्मेंद्र है, अजीत साहब है, ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और अमिताभ बच्चन इस रोल में फिट है। लेकिन लोगों ने, जो उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन लोगों ने साफ कह दिया कि अगर आप अमिताभ जैसे फ्लॉप एक्टर को लेंगे तो हम आपकी पिक्चर नहीं खरीदेंगे। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा और फाइनेंशियल ने कहा कि हम पैसा भी नहीं लगाएंगे। नासिर हुसैन साहब बहुत दुविधा में पड़ गए, क्योंकि बेचनी थी पिक्चर तो उनकी भी सुननी थी जिन्हें खरीदनी। नासिर हुसैन साहब ने डिस्ट्रीब्यूटर को और अपने फाइनेंसर को बहुत समझाने की कोशिश की कि अमिताभ एक बेहतरीन कलाकार है, वो साबित कर चुका है आनंद फिल्म में और भी दूसरी फिल्मों में कि वो एक बेहतरीन कलाकार है, तो अगर उसे ले लेंगे तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर अड़े रहे इस बात पर कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में नहीं होना चाहिए, तो हम इस फिल्म से जुड़ेंगे वरना नहीं। फिर मजबूरी में, जब नासिर हुसैन साहब की कोई बात नहीं समझ रहा था, तो मजबूरी में नासिर हुसैन साहब को अमिताभ बच्चन को निकाल कर विजय अरोड़ा को उस किरदार में लेना पड़ा। अगर आपने यादव की बारात देखी है या नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आपको इस फिल्म में धर्मेंद्र बड़े भाई, मंजरे भाई विजय अरोड़ा और सबसे छोटे भाई तारिक दिखाई देंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर का दबाव नहीं होता तो इस फिल्म की कास्टिंग होती धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और तारिक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का नासिर हुसैन साहब को हमेशा अफसोस रहा कि वो अमिताभ बच्चन को नहीं ले पाए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जब शूटिंग काफ़ी हो गई थी यादव की बारात की, विजय अरोड़ा के साथ, उसी दौरान अमिताभ बच्चन की जंजीर रिलीज हुई और जंजीर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और अमिताभ बच्चन स्टार बन गए। तब डिस्ट्रीब्यूटर और जो फाइनेंसर थे उन्होंने कहा कि अरे नासिर साहब, आपका डिसीजन बिल्कुल सही था, आप एक काम करिए ना, विजय अरोड़ा को निकाल के अमिताभ बच्चन को ले लो। तब नासिर जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, एक कलाकार को हमने फिल्म में लेना चाहा और उसको ये कह के कि तुम फ्लॉप हो निकाल दिया और अब मैं उसके पास कैसे जाऊँ, भैया मेरी फिल्म कर लो और मैं क्यों विजय अरोड़ा को निकालूँ, वो भी तो एक आर्टिस्ट ही है। तो इस तरह नासिर हुसैन साहब ने ये फिल्म अमिताभ बच्चन के ना होने के अफसोस के साथ कंप्लीट करी, फिल्म हिट हुई। लेकिन नासिर साहब का मानना था कि अगर विजय अरोड़ा वाला किरदार अमिताभ बच्चन निभाते तो फिल्म बहुत बड़ी हिट होती, इससे भी ज़्यादा बड़ी हिट होती। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब तक इंसान अपने आप को साबित नहीं करता तब तक लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, कितना भी अच्छा राइटर हो, लेकिन साबित करना बहुत जरूरी होता है। अमिताभ ने जंजीर के बाद साबित कर दिया तो वह स्टार बन गए, लेकिन उसके पहले उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। इस बात का अफसोस हमेशा इंडस्ट्री को भी रहा और अमित जी को भी रहा।
तो दोस्तों ये थे बालीवुड की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा, ऐसे बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानी हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन कहानी किस्सों से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हम बॉलीवुड के किस्से, बॉलीवुड की कहानी लेकर आपके पास आते रहें। इसी के साथ आपसे विदाई चाहूँगा, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। बाय।